रविवार की दोपहर में राप्ती नदी में दोस्तों संग नहाने गए बीटेक के छात्र की डूबने से मौत हो गई। उसके साथ गए दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बरामद किया। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आपको बता दें कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के सतहरा गाँव निवासी स्वर्गीय रामाश्रय के 24 वर्षीय पुत्र जीत बुद्धा इंस्टीट्यूट में बीटेक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट था और अपने दोस्तों के साथ राजघाट मोहल्ले में रहकर पढ़ाई करता था। रविवार को अपने मकान मालिक के पुत्र संदीप निषाद और अपने सहपाठी के साथ नदी में नहाने गया था, जहां पर पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया और मौत हो गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ के कांस्टेबल राम प्रसाद और एएसआई शंभू यादव, विकास कुमार, सोनू यादव सहित अन्य लोगों ने शव को बरामद किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संदीप निषाद और एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर गोविंद मीणा ने कहा, अभी पकड़ा है, आप जाके जो तो बुढ़ान बा वहीं जा आगे आ जाएंगे तो बॉडी जाएगी कैसे बताइए आपको, थोड़ी सी सहयोग करिए आप। बांधो बहुत बांधो इधर तो धीरे Oh, my God.
संधि निशान हम लोग नहाने के लिए गए थे, तो कुछ दूर जाने के बाद हम लोग पीछे गए, हम लोग मना कि उधर मत जाओ, तो मतलब एक तो डिवाइडर है, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर वो खड़ा हुआ, उसका पैर था हल्का से लग रहा, स्लिप किया तो कुछ भी हुआ, वो गहरे पानी में चला गया। अच्छा, अरे तीन लोग थे हम लोग, तो हाथ मारते मारते कुछ आगे चला गया था, हम लोग पकड़ने की कोशिश किए, ऐसी बात नहीं है, पकड़ने कोशिश किए और हम लोग ऊपर चढ़ने लगा, डर के मारे हम इधर चले गए और डर के मारे उधर चला गया, गोली उधर चला गया, तो बीच में हम रह गए, तब हम इधर आ गए, फिर चिल्लाए भी गत्ता, पहले थर्माकोल का गत्ता होता है तो गत्ता लेके हमारे मोहल्ले पाँच छः लड़के सब गए, बचा बहुत कोशिश किए बचाने के लिए, मगर वो जब वहाँ जाते जाते वो डूब चुका, बैठ गया, मतलब कुछ ही दूरी था तो भाई तो बैठ गया था। क्या उम्र होगा उसका? अरे लमसम 24 साल बता रहे हैं सर। कहाँ का रहने वाला? खजरी का आगे कहीं के ऊपर सतारा मोहन है, सतोरा सतारा मोहन का। यहाँ पे कहीं किसदारी में या हमारे ही क्वार्टर में रहता है? हमारे क्वार्टर में रहता है। कितने साल से? अरे वो लगभग 4 साल से रह रहा था। इंद्रजीत रेस्क्यू सर, जैसे ही हमारे को एडीएम फॉर से सूचना मिली कि एक बच्चा यहाँ डूब गया है, तो तत्काल हम अपनी टीम लेके यहाँ पहुँचे हैं, लगभग 10-15 मिनट के सर्च ऑपरेशन के दौरान उस बच्चे को बरामद कर लिया गया। कितने लोग थे इसमें? टोटल टीम में सर 14 बंदे लेके आए थे हम यहाँ। कितने देर का ऑपरेशन चला है? ये सर लगभग 10-15 मिनट का ऑपरेशन चला है, जिसमें एक बच्चा डूबा था उसको हमने रिकवर कर लिया है। पता चल पाया कहाँ के थे, क्या करना चाहिए? ये पता चला है कि ये लड़का यहाँ पढ़ता था।